जाएगी। बचाइए मुझे, बचाइए बेटी। ठीक उसी वक्त नागिन जाग जाती है और वो खड़ी हो गई। नागिन की चीख सुनकर नागराज भी उठ जाता है और उससे पूछता है, क्या हुआ नागिन, तुम इस तरह से चीखा क्यों? क्या तुम कोई सपना देखा? हाँ नागराज, मैं सपने में देखा कि हमारी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में है और वो मुझे पुकार रही है। हमारी बेटी? लेकिन उसे तो जन्म के बाद यहाँ से कोई चोरी करके ले गया था। हाँ नागराज, लेकिन इतने सालों बाद भगवान की कृपा से मुझे मेरी खोई हुई बेटी की खोज मिला है और हमारे बेटी इसी जंगल के किनारे एक लकड़हरा के घर में बड़ी लाड प्यार से बड़ी हो रही है। फिर नागिन नागराज को सब कुछ बताया और सब कुछ सुनने के बाद नागराज कहा, क्या कह रही हो नागिन, हमारी बेटी वो बिल्कुल ठीक है और लाड़ प्यार से बड़ी हो रही है, भगवान की आशीर्वाद है। लेकिन हमारे पुत्र संतान के 5 साल पूरे होने में बस एक ही महीना बाकी है। इस बीच अगर हम नागमणि उद्धार ना कर पाए तो हमारा बेटा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। लेकिन नागराज, हम हमारे नागमणि उस दुष्ट सपेरा से कैसे उद्धार करेंगे? ठीक उसी वक्त नागराज को एक बुद्धि सूझी। इसके बाद वो नागिन को अपने योजना बताए। फिर तो कल सुबह होते ही हमें प्रकृति देवी के पास जाना पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही नागराज और नागिन अपने बेटे को लेकर प्रकृति देवी के पास गए। हे प्रकृति देवी, आप हमें मदद कीजिए, आपके मदद की हमें सख्त जरूरत है, नहीं तो हम हमारे नागमणि कभी भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। कहो नागराज, मैं तुम दोनों को किस तरह से मदद करूं? जो सपेरा हमारा नागमणि और अंडे चोरी किए थे उसका कोई संतान नहीं है, इसलिए हमारे बेटे को वेश बदल के उसके घर पर भेज के नागमणि उद्धार करके लाएंगे। ये कहकर नागराज अपने पूरा योजना प्रकृति देवी को बताया और ये सब कुछ सुनने के बाद प्रकृति देवी ने कहा, ठीक है नागराज, मैं मेरी जादुई शक्ति से तुम्हारे बेटे को मानव रूप प्रदान करती हूँ, लेकिन याद रखना ये इंसानी रूप शाम ढलने तक ही रहेगा और शाम ढलने के बाद फिर से तुम्हारे बेटा पहले जैसा बन जाएगा। ये कहकर प्रकृति देवी उनके बेटे को मानव रूप प्रदान करते हैं। फिर भेष बदल जाते ही नागपुत्र सपेरा के घर जाता है। घर पर कोई है? मुझे भिक्षा दीजिए, मैं आज सुबह से भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दे दीजिए। एक बच्चे की आवाज सुनकर सपेरा की पत्नी बाहर आती है और बाहर आके देखी कि एक लड़का फटे हुए कपड़े पहनकर उनके दरवाजे के सामने रो रहा है। बच्चे की चेहरा देखकर मालती को उसके ऊपर तरस आ गया। माँ माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया, मुझे कुछ खाने के लिए दो ना माँ। ऐसी माँ कह के पुकार सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ गई। क्या बोला, क्या कह के पुकारा मुझे? फिर से बोल बेटा। माँ, आप मुझे कुछ खाने के लिए देंगे ना? इसके बाद मालती उस बच्चे को घर के अंदर लाती है, उसे बहुत प्यार करती है, अपने हाथों से उसको खाना खिलाती है, फिर उसे नहला के नए कपड़े पहना देती है। और ठीक उसी वक्त सपेरा घर लौट आता है और उस बच्चे को देखते ही, ये क्या, कौन है ये, किसको घर पर उठा लाई हो? हमारे खुद का कोई औलाद नहीं है, आज सुबह वो हमारे आंगन में भीख मांगने आए थे, तुम्हें पता है उसका माँ बाप दोनों ही मर चुका है, इसीलिए आज से वो यही रहेगा हमारे बेटे बनके। तुम्हारे दिमाग बिल्कुल खराब हो गए है क्या? न जाने किस रास्ते के भिखारी को घर पर लेके आई हो, ये सब नहीं चलेगा, तुम अभी उसको घर से निकाल दो। ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसे छोटे बच्चे को तुम घर से निकल देने के लिए कह रहे हो?
जब से तुम्हें वो नागमणि मिला है तब से तुम एक पत्थर दिल इंसान बनते जा रहे हो। देखना वो मणि ही तुम्हें ना बर्बाद कर दे। ज्यादा बोलो मत, जो मर्जी वो करो, मैं चलता हूँ, तपस्या की देर हो रहा है। फिर सपेरा घर से निकल जाता है। माँ, तुम्हारे पति के पास नागमणि है? पता है, बचपन में मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाई करती थी। नाग नागिन के पास नागमणि होते हैं और उससे कोई भी मनोकामना पूरी हो सकती है। हाँ, तूने ठीक ही समझा, ये मणि ही है असली वाला नागमणि। माँ, ये असली नागमणि के बारे में मुझे बहुत जानने की इच्छा हो रही है। बताओ ना, तुम्हारे पति को ये मणि कहाँ से मिली और अभी वो कहाँ पर है? मुझे इस नागमणि के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है वही बताती हूँ। कुछ साल पहले मेरे पति जब ये नागमणि लेकर आया था तब वो अपने साथ नाग नागिन की दो अंडे भी लेके आया था। मैं बुद्धू की तरह वो दो अंडे को मुर्गी की कमरे में रख दी थी। फिर मेरे पति बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वो दो अंडे कभी नहीं मिले। इसीलिए उसका वो नागमणि चोरी हो जाने की डर से मेरे पति मायापुर की जंगल में एक गुफा के अंदर वो मणि लेकर तपस्या करते हैं। माँ, तुम्हारे पति घर लौट के अगर मुझे फिर से देखा तो वो बहुत नाराज हो जाएगा। मैं चला जाता हूँ, मुझे जब भी भूख लगेगा तुम्हारे घर आ जाऊंगा। ये कहकर बेजधारी नाग पुत्र सपेरा की सारी राज जानने के बाद वो अपने घर लौट जाता है। घर लौट के नाग नागिन को सारी बात बताते हैं। फिर नाग नागिन अपने बेटे को साथ लिए मायापुर के जंगल में उस गुफा की तरफ जाने लगे और कुछ गहरे जंगल पार करने के बाद आखिरकार वो तीनों पहुंचते हैं मायापुर जंगल की उस गुफा के सामने। बेटा, तुम आगे जाना और हम दोनों तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। इसके बाद नागपुत्र गुफा के अंदर प्रवेश करते ही देखा कि नागमणि सामने लिए सपेरा तपस्या कर रहा है। ऐसा मौका देख नागमणि लेने के लिए नागपुत्र छुपके से आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है तभी सपेरा उसका हाथ पकड़ लेता है। माँ, पिताजी, मुझे बचाइए, सपेरा ने मुझे पकड़ लिया। अरे बाप रे, तेरे साथ नाग नागिन भी आया है। सपेरा नाग नागिन को सामने देख थोड़ा घबरा जाता है और खुद को बचाने के लिए नागपुत्र को ही जकड़ लेता है। फिर नाग नागिन को सपेरा धमकियां देने लगे। अगर तुम लोग मुझे जरा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारे बेटे को खत्म कर दूंगा। खबरदार, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। लेकिन नाग नागिन धीरे धीरे सपेरा की तरफ बढ़ने लगे और सपेरा डर से एक एक कदम करके पीछे हटने लगा। पीछे हटते हुए आखिरकार वो गुफा से बाहर निकल गया। हमारे बेटे को छोड़ दे दुष्ट सपेरा, तूने हमारा नागमणि चुराया है और हमारा अंडे चुरा के तूने बहुत तकलीफ दिया था हमें। तेरे लिए ही हमारी बेटी हमसे अलग हो गई है और आज तू मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। आज तू हमारे जहर से खत्म हो जाएगा। ऐसा क्या, मैं खत्म हो जाऊंगा? तो ये ले। ये कहते हुए सपेरा मणि हाथ में लिए जादुई शक्ति से नाग नागिन को बंदी बना लिया। ठीक उसी वक्त सपेरा के पीछे से एक कुल्हाड़ी उड़कर आता है और वो कुल्हाड़ी सीधा जाके सपेरा के सर पर वार करता है। तभी सपेरा बेहोश होके जमीन पर गिर जाता है। तुरंत ही नागपुत्र वो मणि जमीन से उठा लेता है। इसके बाद नाग नागिन को वो मणि स्पर्श कराते ही वो मुक्त हो जाते हैं। फिर लकड़हारा उसका बेटी और पत्नी के साथ वहाँ आते हैं। नागराज, देखिए, यही है हमारे खोए हुए बेटी। अच्छा, तो यही है वो लकड़हारा की परिवार जिनके पास हमारी बेटी भरी हुई है। प्रणाम नाग नागिन,
आपकी बेटी को ही हम इतने सालों से प्यार देके बड़ा किया है, अब उसको आपके पास लौटने का समय आ चुका है। इसके बाद नागिन नागमणि लिए पहले अपने बेटे के सर पर स्पर्श कराई, फिर वो अपनी बेटी के सर पर मणि स्पर्श कराते ही वो एक इच्छाधारी नागिन कन्या बन जाती है। अलविदा लकड़हारा, अब हमें हमारे झरने की गुफा में लौट जाना होगा। आप लोगों को जब भी मन करे हमारे बेटी यानी तुम्हारे बेटी के साथ वहाँ जाके जब चाहे तब मिल सकते हो। ये कहते हुए नाग नागिन अपने दो बच्चे के साथ उस झरने की गुफा में लौट गए। दूर एक गहरे जंगल में नदी पर बांस से बनी एक नाव तैरता हुआ दिखाई देता है। वो नाव तैरते हुए एक बड़ा सा चट्टान में अटक जाती है और उसी पत्थर के ऊपर उस पर प्रकृति देवी बैठ के तपस्या कर रही थी। प्रकृति देवी आँख खोलते ही उसे वो बांस की नाव दिखाई दी। ये क्या बांस से बनी नाव यहाँ कैसे आई और इसके ऊपर एक टूनी चिड़िया ऐसे क्यों लेटी है? तब प्रकृति देवी आश्चर्य होकर टूनी पंछी को अपने हाथ में लिए बोली, अरे ऐसी मासूम छोटी सी टूनी चिड़िया की मौत कैसे हो सकती है? मैं इसे फिर से जीवन दान करूंगी। इसके बाद प्रकृति देवी टूनी चिड़िया को एक जादुई झरने के नीचे ले जाते ही वो फिर से जीवित हो जाती है। तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ प्रकृति देवी। तुम्हें इस तरह बांस से बनी नाव पर मृत अवस्था में आते देख मैं तुम्हें जीवन दान की, लेकिन तुम कौन हो और तुम्हें इस तरह नदी में कौन बहा दिया? मैं हूँ दुनिया। क्या तुम्हें पता है मेरी चौतेली माँ मेरे साथ क्या किया है? तो सुनो। हे नागराज, आप ऐसा जादू कीजिए ताकि मेरी सौतेन की बेटी मेरी परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा और तू ये काम क्यों करना चाहती है? अगर वो दुनिया जिंदा रही तो मेरी पति की संपत्ति दो हिस्सों में बांटना पड़ेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उस पूरे संपत्ति का मालिक मेरा बेटा अकेला बने। अरे इसके लिए आप जो मांगेंगे मैं वही दूंगी। ठीक है, मैं ऐसी चाल चलूंगी जिससे किसी को बनक तक नहीं लगेगा और सौतेली बेटी भी मरेगा तो मेरी चेला काल कोबरा को डसने के लिए भेज रहा हूँ। उसी दिन दोपहर को टुनिया जब घर के आंगन में खेल रही थी तब नागराज किंग कोबरा से कहते हैं, काल कोबरा देख वहाँ टुनिया खेल रही है तो चुपके से जाके टुनिया को डांस ले और सारी जहर उसकी शरीर में उतार दे। जा हुकुम प्रभु। इसके बाद किंग कोबरा पीछे से जाकर टुनिया को डस लिया और साथ ही साथ डसने के बाद ही किंग कोबरा तुरंत वहां से भाग गया। तब टुनिया की चीख सुनकर उसके पिता टुन्ना वहां आता है। क्या हुआ बेटी टुनिया, तू इस तरह छटपटा क्यों रही है? टुनिया छटपटाते हुए मर गई। तब उसकी सौतेली माँ कौआ वहाँ पर आती है। अरे ये क्या हो गया, टुनिया को तो काल कोबरा ने काट लिया, लगता है मर गई है। नहीं ये नहीं हो सकता, हमारे टुनिया को बचाना ही पड़ेगा। मैंने सुना है गहरे जंगल के एक गुफा में नागराज रहते हैं, वो हमारी टुनिया को जरूर बचा लेगा। हाँ उन्हें मैं जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छा है, वहाँ जाएंगे तो वो जरूर मदद करेंगे। चलो हम वहाँ चले। इसके बाद वो दोनों टुनिया को लेकर जंगल के रास्ते से नागराज के पास पहुँचे। तब नागराज अपनी गुफा के सामने घूम रहा था। प्रभु नागराज, हमारी बेटी टुनिया को सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, आप बचा लीजिए हमारी बेटी टुनिया को, बचा लीजिए। हाँ
प्रभु नागराज, दुनिया को काल कोबरा ने काटा है, आप उसे बचा लीजिए प्रभु। दुनिया को तो बहुत ही जहरीला सांप काटी है और उस जहर से दुनिया मर भी गई है। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। तुम लोग एक काम करो, उसको एक बांस के नाव पर नदी में बहा दो। अगर भगवान का कृपा होगा तो वो जिंदा भी हो सकता है। मैं अभी जाता हूँ, हमारी बेटी टुनिया को बचाना ही पड़ेगा। मैं जाके बांस की नाव तैयार करता हूँ, तुम टुनिया को लेके नदी किनारे आओ। ये कहते हुए टुनिया के पिता बांस की नाव बनाने के लिए चला गया। तब कौवा ने नागराज से बोली, टुनिया की पिता ने सोचा था कि आपके पास आने से टुनिया की शरीर का जहर निकल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस टुनिया को मारने के लिए मैंने आपका ही मदद ली है। मैं बहुत खुश हूँ, आपको क्या चाहिए बोलिए। समय आने पर मैं जरूर बताऊंगा। ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाती है, फिर टुनिया को लिए नदी किनारे चली जाती है। इसके बाद टुनिया को हाथ में लिए बांस से बनी नाव पर लिटा देते हैं। टुनिया, मैं खुद अपनी हाथों से तुझे बांस की नाव पर बहा दिया। हे सृष्टिकर्ता, तुम मेरी बेटी को जरूर लौटा देना। और इस तरह बांस की नाव पे बैठते हुए मैं यहाँ आके पहुँची। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और इसकी सजा उन दोनों को जरूर मिलेगी, और तुम तुम्हारे पिताजी के पास फिर से लौट जाओगे। फिर नागराज उस कौवा के पास आके कहता है, कौवा कौवा, घर पर हो क्या? जरा बाहर आओ। कौवा घर से बाहर आके बोली, क्या बात है नागराज, आदेश कीजिए। मेरे काम का प्रतिदान देने का समय हो गया है, इसलिए इस पानी को तुम तीनों मिलके पी लो। आपने जो मदद की थी उसके लिए ये पानी क्यों पीना पड़ेगा बोलिए प्रभु नागराज। जो कह रहा हूँ वो सुनो, नहीं तो तुम तीनों को मैं जिंदा निकल जाऊंगा। ये सुनकर कौवा बहुत डर जाती है, फिर वो नागराज के हाथ से प्याला लिए पहले बेटे को पिलाती है, फिर खुद पी लेती है। इसके बाद वो प्याला पति की तरफ आगे बढ़ाई। ये सब क्या हो रहा है, मैं इसे क्यों पीऊंगा? तू ये पिएगा या मैं तुझे खा जाऊं। ठीक उसी वक्त वहाँ टुनिया और प्रकृति देवी आ पहुँचते हैं। तब तक इधर नागराज का वो जादुई पानी पीने के बाद कौवा और उसका बेटा सांप बन चुका था। और ये सब कुछ देखने के बाद प्रकृति देवी ने कहा, कौवा तो अपनी सजा भुगत रही है, लेकिन नागराज तुम्हारी सजा तो अभी बाकी है, वो सजा मैं तुम्हें दूंगी। ये सुनते ही नागराज वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रकृति देवी अपनी जादू से उसे पत्थर बना देती है।